कर रहे हैं कि आज राम मंदिर तो हमने बना दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग आए हो, पावच्छे में मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। और हम जा रहे हैं अभी घंटाघर और आपको दिखाते हैं वहाँ का लाइव शो। तो मिलते हैं आपको सीधा रास्ते में। ये गाड़ी नहीं चला रहे हैं, फटाफट चल रहे हैं, फटाफट गाड़ी नहीं चला रहा कोई ऐसी ठंड में। मैं पैदल जा रहा। जय श्री राम भाई सभी लोगों को। तो आज 21 जनवरी। ये गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं फटाफट। भाई जय श्री राम सभी लोगों को। तो आज जा रहे हैं अभी, देखते हैं मार्केट में क्या सिस्टम चल रहा है। तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है और हम निकल रहे हैं अभी करणपुर से। तो भाई हम भी रात के टाइम जा रहे हैं, हेलमेट वेलमेट कुछ नहीं है भाई, सिस्टम ही सिस्टम चल रहा है। भाई देखो भाई 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 भाई, भाई, भाई का पीछा करो फटाफट। जय श्री राम, जाग करो भाई, आगे बंदे जा रहे हैं। कर दिया यहाँ पार, तो यहाँ से निकलते सीधा पार, पैदल पैदल कोरा हो रहा भाई तगड़ा। ये देखो आप भगवाई भगवा, जय श्री राम। ये देखो भाई सिस्टम है, सिस्टम चल रहा। माहौल चेक करो गाइस, तगड़ा सिस्टम चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की जो केसरी के Let's go!
मेरा निवेदन है, कुछ लोग अपने मध्य में पिए हुए आ गए, शराब अल्कोहल का बड़ा सेवन कर रखा है, वो अपने आप बाहर निकल जाए, नहीं तो कार्यकर्ता बाहर निकाल देंगे भैया, कार्यकर्ता बाहर निकाल देंगे। मेरा निवेदन है जो भी अल्कोहलिक है वो सब बाहर निकल जाएंगे, वो लोग अराजकता के लिए आए ऐसा ना करें। जो लोग अल्कोहलिक है वो नीचे उतर जाए, जो बिल्कुल ड्रिंक कर रहे हैं वो सब बाहर चले जाए, ड्रिंक कर रहे हैं लोग सभी बाहर चले जाए। और मेरा एक निवेदन है बस ये, हमारी बहन जी कुछ गीत गुनगुनाना चाह रही है, राम हमारे आ रहे हैं, तो बस ये गीत बहन जी का अंतिम होगा, उसके बाद जय जय। और आप सभी से निवेदन और आग्रह, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ में आप सभी अपनी उपस्थिति दें और प्रण करें, जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं वो कल से छोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे देखिए, ये शपथ ऐसी नहीं है, मंदिर के सामने आप शपथ खा रहे हैं, मंदिर के सामने सभी हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर ही रखेंगे और एक शपथ करेंगे, मैं हिंदू धर्म सनातनी होने के नाते यह संकल्प लेता हूं कल अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं अपने जीवन से सारे दुर्व्यसनों को, शराब सिगरेट गुटखा सबको निकाल फेंकूंगा, ये संकल्प मेरा अटल रहेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मित्रों, हिंदू जब जब कंडोर पड़ा, और उसका कारण सबसे बड़ा यही रहा कि जब कभी कोई किसी प्रकार के संघर्ष की नौबत आई तो हमारे 50-70% युवा शराब के नशे में धुत मौके पर पहुंचते थे, 50-70% युवा नशे में धुत पहुंचते थे, शराब की दुकानों पर लाइन हमारे लोगों की लगी हुई है। तो मेरा सबसे निवेदन है, देखिए डीजे पे मत डांस कीजिए, डांस कीजिए प्रभु राम के नाम में, और राम के नाम की शक्ति को आत्मसात कीजिए और शराब छोड़ने का प्रण लीजिए। जय जय श्री राम, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, राम राम राम, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल।
अलार्म लगा दो। राम मंदिर तो हमने बना दिया, लेकिन इस पवित्र चरित्र का निर्माण हम कैसे करेंगे? जो ये राम राज्य स्थापित हो, उस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमको व्यसन मुक्त होना ही पड़ेगा। और मेरा निवेदन है सभी से, जो पति अपनी धर्म पत्नियों के साथ आए, उनकी पत्नियां कल से सख्त हो जाए और उनकी शराब छुड़ाने की जिम्मेदारी उनकी। सुनिए, और बिल्कुल देखो, हिंदू नारी के लिए कहा जाता है, हिंदू नारी वीर बन, शक्ति का प्रतीक बन, वीणा की टंकार बन, शक्ति का प्रहार बन। और जब तक तू अबला निबला है, तब तक बात बनेगी ना। जब तक तू अबला निबला है, तब तक बात बनेगी ना। और कायर पूत सपूत रहेंगे, बिगड़ी बात बनेगी ना। देवी जनतु रौद्र रूप धर, रौद्र रूप देवी जनतु रौद्र रूप धर, दुष्टों का संहार करे, पाप पहाड़ विनाश करे और बिगड़ी बात बनाएगी। तो मेरी माताओं से बहनों से निवेदन है कि अपने घर की रक्षा करें और कल से संकल्प लें। जो सभी के घर में अक्षत पहुंच गए क्या? सभी के घर में चावल पहुंच गए क्या? देखिए, जिन लोगों के घर में अयोध्या द्वारा पूजित अक्षत नहीं पहुंचे, वो कल कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थिति दे और प्राप्त कर ले। वहां का निमंत्रण पत्र वो भी आप हमसे प्राप्त कर ले। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए संकल्पबद्ध है कि प्रत्येक घर में अक्षत पहुंचे, वह पवित्र अक्षत। एक बात सुन ले, जिसके घर में पहुंचे हैं वह भी विचार कर ले कि उनको क्या करना है। देखिए, 500 वर्षों का बलिदान संघर्ष, उसके बाद आपको 78 युद्ध हिंदू समाज ने लड़े हैं। संतों ने, महंतों ने, राजाओं ने, सबने युद्ध लड़े। उसके बाद 5 लाख हिंदू उसमें मारे गए। उसके बाद आपका सौभाग्य है कि वो अक्षत आपको प्राप्त हुए हैं। वो अक्षत उन 500 वर्षों का पुरुषार्थ है जो आपके घर में पहुंचे हैं। जिनके घर में नहीं पहुंचे वो कल ले लें। लेकिन उन अक्षत का क्या करना है ये पहले सुन ले। अपने घर में पहुंचे अक्षत, एक कलश ले, मिट्टी का ले, तांबे का ले, चांदी का ले, यथासंभव जो भी हो सके ले। उसके अंदर वो अक्षत आप डाल दे, 108 बार राम माला का जाप करें, 108 बार राम माला का जाप करें। उस अक्षत कलश के ऊपर क्या लिखे? अयोध्या पूजित अक्षत। क्या लिखेंगे? अयोध्या पूजित अक्षत। और घर में भैया दूज है, रक्षाबंधन है, आपने कोई दुकान खरीदी, आपने कोई मकान खरीदा, बेटा फौज में जा रहा है, बेटा बैंक की नौकरी के लिए जा रहा है, बेटा सरकारी विभाग में कहीं भी नौकरी के लिए जा रहा है, या अपने उज्जवल भविष्य की कामना से कहीं भी पेपर देने जा रहा है, आपने बेटे को तिलक करना है। और वही 500 वर्षों के पुरुषार्थ के पूजित अक्षत उसके माथे पर तिलक के साथ लगाने। मैं कहता हूं, जो माँ ये कर देगी, उसके बेटे का तो भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। आपके घर में धन धान्य से आप परिपूर्ण रहेंगे, किसी प्रकार का व्यसन नहीं होगा। माताएं कल से संकल्प करें घर में पड़ी हुई शराब की बोतल ढाल फेंक दें। Yeah.
नहीं, हिंदुओं के खून से उस गारे को बनाकर वह चीना गया था। वो पुरुषार्थ, वो बलिदान, वो पवित्रता, वो धैर्य, वो संयम, वो है राम मंदिर। जिन लोगों को लगता है सिर्फ हुआ ठक्का शराब पी के मस्ती कर ली डीजे पे नाच लिए बस, नहीं, राम मंदिर बहुत ऊंचा है। और उसके लिए अगर आपको राम राज्य की स्थापना करनी, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कई बार व्यसन करे पिए होते हैं, भैया अब तो हिंदू राष्ट्र। अरे काहे का हिंदू राष्ट्र भाई, हिंदू राष्ट्र के संकल्प तो सुन लो, हिंदू राष्ट्र के संकल्प सुन लो। सामने खड़ी हुई माता मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे परिवार का हिस्सा है, एक भी शब्द गलत नहीं बोलेंगे आप। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, साकार करेंगे क्या? करेंगे क्या? क्या आज प्रण लेती अपने जीवन में राज चलती किसी भी महिला के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी कोई करता होगा, करेगा क्या? नहीं करेगा क्या? सड़क पर चलने वाली हर माँ बहन को सम्मान देना किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये है, ये संकल्प है राम राज्य के। 2014 से धुंधलाती आंखें महिलाओं की सड़क पर चलने से डरती थी। कोई भी धर्मी कोई मनचला आकर मुझे परेशान तो नहीं करेगा, मेरे गले की चैन तो नहीं झपट लेगा, मेरी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदल गई। कैसे बदली? देखिए, हिंदू समाज में इसमें एक जगह भूमिका निभाई है, बस सब जगह नहीं निभाई, भूमिका निभाई है। देखिए जय श्याराम के उद्घोष को, देखिए मेरी बात सुनिए, पहले सभी सुनिए, देखिए सुनिए, बाहर लोग इधर कर रहे हो, जय श्याराम के उद्घोष की पवित्रता भी समझते हो? हैं? समझते हो क्या? जय श्री राम के, जय श्री राम शक्ति का, धैर्य का, संयम का नाम है, व्यसन से मुक्त होने का नाम है जय श्री राम। पागलों की तरह सड़कों पर जय श्री राम कर देना आसान बात है, लेकिन उस जय श्री राम की मर्यादा का पालन करना वह बड़ी बात है। उसका पालन कब करेंगे आप लोग? कब करेंगे उसका पालन? जब हमारे समाज से एक भी बच्ची विधर्मी जिहादियों के चंगुल में नहीं जाएगी, सड़कों पर चलती हुई हमारी गौ माता नहीं काटी जाएंगी। वरना परिस्थिति आप देखते हैं ना, कितनी स्थिति खराब हिंदुस्तान में, गौवंश की तस्करी आम बात है। क्यों करती है हमारी गाय माता? माता तो हमारी है, अगर भगवान ना करे वो माता किसी और धर्म की होती तो ऐसे काटी ना जाती, ऐसे काटी ना जाती, यही दुर्भाग्य हमारा। जय श्री राम के नारे की पवित्रता हम लोग नहीं समझते। हम समूह में 50-100 लोग हैं ना, हम उसकी मर्यादा नहीं जानते। कहीं भी विधर्मियों की कॉलोनी से निकलेंगे चिढ़ाने के लिए यूज करते हैं लोग, चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हो भाई? जय श्री राम चिढ़ाने का नाम नहीं है, सम्मान का नाम है, धैर्य का नाम है, संयम का नाम है और प्रतिज्ञा का नाम है जय श्री राम। जब भी अपने मुख से निकालो जय श्री राम तो एक बार विचार कर लेना जो राम के नाम शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से, उनकी पवित्रता का पालन आप लोगों ने कर। तो मेरा एक सवाल निवेदन है, हमारी बहन पूजा आई है, एक बहुत सुंदर सा भजन आपके मध्य में करेंगी और उसके बाद जय श्री राम। हेलो, बोलो जय श्री राम, जयकारा है वीर भजन का, हर हर महादेव, ऐसे नहीं दोनों हाथ उड़ा के, जयकारा है वीर भजन का।
ऐसे नहीं, आवाज पूरी आनी चाहिए जोश के साथ, क्योंकि हम है कौन, हिंदू है हम। अजय मिल जाती क्या बने, हम हिंदू है बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, अरे हम हिंदू है बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो मिलकर क्या क्या कहेंगे, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। बोलिए अब एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। बोलिए अब एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा, किसी भी प्रकार की ऐसी बात आप कोई भी ना करें जिससे समाज में मतलब कोई माहौल, क्योंकि ये हमारा पर्व है, इसको मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं बाहर, प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पे खत्म, तो और कल सबको आना है यहाँ पे। ये है वो मैन घंटा घर पे, तो प्रोग्राम हो चुका है खत्म, सब अपने घर को चले जा चुके हैं, तो भाई हम भी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, कहीं नई लोकेशन देखते हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा होगा, यहाँ कहीं और जगह स्पीकर बजते हैं, अगर मिलेगा कहीं तो वहाँ जरूर रुकते हैं, बाकी निकलते हैं गाड़ी के पास। चेक करो भाई सिस्टम ही सिस्टम, पाइले ला भी आलो कोकी ये चेक करो गाइस सामने आप सब, मेरा जय श्री राम, जय श्री राम। कल हैं काओ कुछ गर्मी गर्मी वाला सीन, तो यहाँ तो पुलिस क्या बोल रहा, बोल 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 क्या बोल रहा था, बोल 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 बोल, रुक जा बेटा रुक जा, अभी वीडियो भेजता हूँ।
ये देखो ये वीडियो सब निकल चुके हैं वहां से और अब जा रहे हैं घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और कल फिर से एक और बार फिर जय श्री राम बोलेंगे भाई। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लव सिटी स्मार्ट सिटी ऑफ देहरादून तो कर दिए पार्क वहाँ पे, तो यहाँ गेट लगा हुआ है भाई और हम कर रहे हैं, फोन करना पड़ेगा भाई को, ऊपर की दरवाजा खोल फटाफट कि टाइम हो गया बहुत ज्यादा, 12 बज चुके हैं। तो भाई सिस्टम चल रहा है, तो भाई जी को बोला है कि गेट खोल दो, भाई आ रहे हैं, गेट खोल रहे हैं और चलते हैं इधर रूम पे, मिलते हैं आपको सीधा ऊपर बिस्तर के अंदर सिस्टम ही सिस्टम है। जय श्री राम, गेट खुल चुका है, चलते हैं ऊपर फटाफट आपको यहाँ से। चुके रूम पे, धुंध देखो भाई कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे देहरादून का व्यू। तो ये पहुँच चुके हैं रूम पे हम, तो भाई तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रूम पे और अब करते हैं गुड नाइट क्योंकि अंदर सो रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते नींद, तो फटाफट से सोते हैं और कल मिलते हैं आपको फिर से नए ब्लॉग में क्योंकि कल तो हम आए हैं। तो गुड नाइट।